और हमारा स्तर इतना गिर गया है सत्संग कि हम किसी के बेटी बहन को पहचानते ही नहीं। आजकल सत्संग अपने बच्ची को पढ़ाने में भी डर लगता है। अखबार उठा करके देख लीजिए सत्संग, उसमें कई घटनाएं डेली हमेशा रोज रोज, ये नहीं शहर में ही नहीं, आजकल अपने ही आग होने लगा है। आग लगी संसार में घर घर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। साथ संगत आज आप संतों की ही कृपा है कि इस संसार की आग ठंडी हो रही है और आप ही लोग हो जो शीतलता प्रदान कर रहे हो। ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी धरे धाम पे आकर के हमें सारे बंधनों से मुक्त कर दिए, ब्रह्म ज्ञान देकर के साथ संगत ये सारे भ्रम मिटा दिए। साथ संगत उन्होंने यही बताया कि जो आपके अंदर विराजमान है वो सबके अंदर विराजमान है। साथ संगत एक नूर से सब जग उपजा, नर हो चाहे नारी हो। साथ संगत सभी लोग इसी परमात्मा के एक नूर से निकले हुए हैं और फिर इसी नूर में समा जाएंगे। साथ संगत जुगों जुगों से जितने भी पीर बलि आए हुए हैं उनको सताया गया है। ईसा मसीह आए साथ संगत उनको सूली पर लटका दिया गया है। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी आए हैं, इनको नाना प्रकार के बातें करते सुना गया है। सत्संग जब आए तो बात न माने, मरे तो पीछे चलते हैं, कहे अवतार की आज भी मूर्त अपने मन की करते हैं। तो सत्संग हमको इनका ध्यान नहीं देना है, जो हमें सतगुरु ने सत्य चीज दिया है उस सत्य का प्रचार सत्संग करते जाना है। और सत्संग यहाँ पे पहली बार सात संगत ये ड्यूटी निभा रहा है सात संगत, और महात्मा जी का फोन गया तो दास बोला कि इधर भी तो बारिश हो रही है सात संगत, लेकिन कृपा करो कि दास चल दे। और दास यही जानता है कि जब फौज में था तो एक साहब बोलेगा कि भाई 8 बजे हाजिर होना है, तो हाजिर हो जाते थे। तो ये तो हमारे दातार हैं, इन्होंने हुक्म किया कि आ जाओ, तो बस दास चल दिया। बारिश हो रही थी सात संगत, दास रेन कोट पहना था, भीग तो गया ही था, रेनकोट कितना रोकने वाला है इनको। सात संगत ये प्रकृति को कोई रोक नहीं सका है और ना ही कोई रोकेगा, ये प्रभु परमात्मा का आशीर्वाद है। सात संगत कि जब इनका अपना काम होता है तो ये सब कुछ अपने बराबर कर देते हैं, और सतगुरु के आशीर्वाद सात संगत आप संतों के मुख से ही निकल जाता है। जब सबके अंदर वही नूर विराजमान है सात संगत, तो आप सच्चे दिल से एक बार बोल दोगे कि बारिश बंद हो जाए तो तुरंत बंद हो जाएगी सात संगत। बस विश्वास करने की देरी है। महात्मा विनोद जी ने बताया था कि हमने कुछ नहीं सीखना है, बस विश्वास करने आ जाए, और विश्वास हो जाए तो हमारा समाज, हमारा सभी का कल्याण हो जाएगा सात संगत, और अपना भी कल्याण हो जाएगा। और सात संगत आज यहाँ बहुत दूर दूर से महात्मा आए हुए हैं, और दूर दूर से महात्माओं का भी दास को दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पहली बार देखा इतने महात्माओं को सात संगत। कभी साथ आ करके नॉर्मल संगत में नहीं पहुँच पाया है सात संगत, बराबर समागम में ही आता था। तो दास के ऊपर भी कृपा करो सात संगत की, जैसे महात्मा जी एक बहाना बनाए हैं कि साल की जगह के उपलक्ष्य में सत्संग रखा गया है, वैसे ये बहाना बार 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 आते रहे ताकि हम लोग इनके चरणों की धूल लेने के लिए बार बार आते रहे। और साथ संगत आप सभी मिलकर के इनको आशीर्वाद दो कि ये सतगुरु के चरणों से हमेशा जुड़ रहे हैं, और दास को भी आशीर्वाद दो कि सतगुरु की चरण कभी न छूटने पाए। साथ संगत प्यार और सत्कार से बोलिए।